subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. रेखा लगाती है अमिताभ के नाम का सिंदूर। अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी हमेशा से बॉलीवुड में बहुत बड़ी गॉसिप रही है। ये बात और भी ज्यादा सामने तब से आई है जब से हमने सुना है कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती है। खबरों से यह भी पता चला है कि अमिताभ और रेखा का गुप्त विवाह हुआ है और ये बात पूरी तरह यकीन में तब बदली जब रेखा नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में अमिताभ के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर गई, जिस बात को देखते हुए उस वक्त अमिताभ की पत्नी की आंख से आंसू गिरने लगे। जैसा कि अमिताभ की बॉलीवुड में बहुत अच्छी इमेज है तो उन्होंने कभी भी इस बात को पब्लिक के सामने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा ने इस बात को सबके सामने बहुत ही हिम्मत से स्वीकारा है। जब रेखा को दिखने लगा कि अमिताभ के उनके साथ कोई भविष्य नहीं, जैसा कि उनकी पत्नी जया है, तो उन्होंने सोचना छोड़ दिया। पर आज भी उनकी मांग में अमिताभ का सिंदूर जिंदा है। इस बात पर उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका कहना है कि वो जिस शहर से हैं वहाँ पर सिंदूर लगाना एक फैशन है। और तो और सब बुलाने की कोशिश करते उन्होंने अपने आगे की जिंदगी की शुरुआत मुकेश से शादी कर कर की, तब भी वो अमिताभ को नहीं भूल पाई। वो कहती हैं आज भी उनके लिए ए बी ही सबसे पहले। क्या इस बात से रेखा और जया के आपसी संबंध बहुत खराब हो सकते हैं? हो सकता है रेखा अमिताभ को पूरी तरह भुला दे। इसके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.